YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शनिवार के दिन शहर के गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में कर्मा पर्व के मौके पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्राधिकार सचिव प्रफुल्ल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर लोगों को कानून संबंधी कई जानकारियों के अलावे केंद्र प्रायोजित योजनाएं, झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम और न्याय पाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका के संबंध में जानकारी दी गई। जहां अपने संबोधन में प्राधिकार सचिव ने परिवार की अवधारणा को बनाए रखे जाने पर बल दिया, कहा कि समाज में अपराध पर अंकुश लगाए जाने के लिए परिवार को संरक्षण देना बेहद जरूरी है, जिससे अपराध मुक्त समाज का निर्माण हो सके। कहा, परिवार समाज का इकाई है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विधिक जागरूकता शिविर परिवार पर के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आयोजन किया गया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो परिवार का जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट को है ना बनाए रखने में समाज को बहुत ज़्यादा है ना फायदा है, क्योंकि अगर ये परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा और ये जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे है ना अधिक से अधिक क्राइम है ना सोसाइटी में घटेगी। इसलिए मेरा आज का जागरूकता इसी की ओर है कि परिवार को है ना ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण किया जा सके, ताकि है ना समाज में क्राइम है ना रोकथाम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और साथ ही साथ ये भी है कि आपको किसी भी कानून के बारे में और विधि से संबंधित कोई भी सहायता प्राप्त करना हो तो जिला विधिक प्राधिकार के कार्यालय में आप आकर के आप अपना आवेदन दे सकते हैं, और वो अगर आपका आवेदन विधि संगत होगा तो उस पर है ना विचार करके उस पर कार्रवाई की जाती है।